तो भैया देखो, इस वीडियो में मैंने जब एडिट कर रहा था तो मैंने देखा इंट्रो नहीं हुआ है। ठीक है, तो सत श्री अकाल जी सारे नु की हाल चाल। तो आज जो वीडियो है, ठीक है, वीडियो में डॉक्टर साहब और अपन है, तो डॉक्टर साहब का एक्सपीरियंस लिया जा रहा है, तो वीडियो को अब स्टार्ट कर लेते हैं। तो भैया देखो, अभी ना मॉर्निंग टाइम है ना, रोटी बनानी है। तो इधर था सिद्धू मूसे वाला, ये डॉक्टर साहब ने लिखा था बोतल पे, तो अभी ये कर दिया है बच्चों ने। कोई गुस्सा मत होना भैया, वो किधर रखे डॉक्टर ने। तो सीन ऐसा है कि अपन जब जाते हैं जॉब पे तो घर से लेके जानी पड़ती हैं। भैया अपने का ना लंच घर से लेके जाना पड़ता है, क्योंकि जो ट्रेड जॉब्स होती हैं, आपको मैंने पहले ही बताया, उसमें ना खाना खिलाते नहीं है, रेस्टोरेंट में खाना मिल जाता है। तो अभी अपने को पहले जाना है जे कार वाले के पास, क्योंकि वो जो डिलीवरी बता रहा है वो काफ़ी दिन बाद है, अभी तो उन लोगों ने शिप भी नहीं किया। तो अगर मेरे को पोर्ट मिल जाता है वहाँ से तो फिर आप लोग कैंसिल कर दे, वो रिफंड आया था 1 वीक में तो आ ही जाता, तो अभी उधर ही चलते हैं। इस पर जाना है, इसमें नहीं जाना है, क्योंकि ये बहुत बड़े साइज़ का है, इसको पार्क करने में इशू होता है। कार छोटी है, आराम से पार्क हो जाती है। तो ये काम हगी हो गया है, ये खुलना है 8:30 बजे और अपन लोग जा रहे हैं 7:38 पे। तो अभी अंदर ही बैठो, टाइम लैप्स देखो तब तक। अरे हाँ जी भैया, तो नहा लिया गया अभी थोड़ी देर में ना, 8:30 बज जाने, तो फिर अपन लोग चले जाएंगे जे कार के वहाँ। मैंने अभी ऑनलाइन चेक किया तो $2 का पोर्ट है उनके पास, तो काम चल जाएगा अपना। जैसे ही लाके अपन लोग टेस्ट करेंगे कि अगर सही है तो फिर अपन लोग वो वाला कैंसिल कर देंगे जो हमने ईबे से मंगाया है। और एक चीज़, इधर वाले जो बाल है ना, ये इधर वाले, इनका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैं सोच रहा इतने बाल कटवा दूँ इधर वाले या फिर इसके पीछे चुटिया बांध लूँ ऐसे करके, तो सही रहेंगे। तो भाई अपन जाके उसका दरवाजा खोल रहे हैं, तो अभी वो हुए हैं 8:22, तो 8:30 बजे ही खुलेगा, तो अपन जाके उसका दरवाजा खोल रहे थे। रोज कोई ना कभी हो जाती है। तो भैया ये खुल गया, तो अभी हाँ जी भैया, तो वो लड़की का कहना ये है कि अभी ना ये डिसकंटिन्यू हो गया है, जो मैंने चेक करके जो मैं आया था, तो कह रही अभी कहीं नहीं मिलने वाला तेरे को। तो मैंने कहा ऑनलाइन कहीं, कह रही नहीं, कह रही घर चला जाके सो जा। हाँ जी भैया, तो लंच डन है, इधर जॉब पे थे, ठीक है, जॉब का सबको पता है, ठीक है, ये तो ठीक है, ठीक है, बहुत आता ब्रेक हुई थी। तो भैया अभी अपन लोग जा रहे हैं घर, घर मतलब पोर्ट वापस। अपने को अभी जाना है बिग डब्ल्यू से, अपने को लेनी है टी शर्ट्स, क्योंकि इन टी शर्ट्स में ना गर्मी लगती है बहुत, बड़ी है ना, बड़ी मतलब फुल स्लीव की है, अपने को लेनी है हाफ स्लीव वाली, उससे भी छोटी हो अगर गर्मी बहुत होगी भाई। और जिस जगह मैं जाता हूँ वहाँ टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहता है पोर्ट से, क्योंकि इधर है समुंदर किनारा, वो थोड़ा अंदर जाना पड़ता है, तो इसलिए उधर गर्मी ज़्यादा। भाई बिग डब्ल्यू जा रहा हूँ। और अभी अपन लोगों के बाल बहुत कटवाने वाले हो गए हैं, ठीक है, संडे को कटवाएंगे, संडे को शायद फ्री हुए। तो ये लड़का आ गया इधर, कच्चे इन्होंने 5-5 के लगा रखे हैं, कैसी वाली नहीं चाहिए, पोलो के बिना मिल ही नहीं रही है वो, मतलब अपने को बिना कॉलर वाली चाहिए। नहीं मिले इधर, के मार्ट चलते हैं।
Do you wish to continue? Please. Kmart. इधर भी क्लोज हो गई है, इनके पास तो है लेकिन एक्स्ट्रा लार्ज है, एक्स्ट्रा स्मॉल है, मीडियम नहीं है, स्मॉल स्मॉल है, स्मॉल है। मैं एक सोचने कमरे में ही घर पा लिए, आप जगह थोड़ी है अपने कमरे में, डॉक्टर साहब लोगों के वहम निकालते हैं, तो आज भाई से जानकारी लेंगे, भाई जब स्टूडेंट आए थे तो इनको क्या क्या दिक्कतें आई और इन्होंने कैसे रूम्स वगैरह ढूंढे, क्या सीन था इनका, इनको कोई जानता था कि नहीं, तो वो सब बताएंगे भाई। तो सबसे पहले भैया इंट्रोडक्शन करवा रही है, करवाने की जरूरत नहीं है, भाई बहुत फेमस है तो इतना भी नहीं भाई। एक तो यार चुटिया जी निकल होंगी है ना, मेरे वाल बहुत वड्डे हो गए। तो पहला ये दस उस्ताद, जो तू आया हैगा मतलब एयरपोर्ट तो तेन कोई लैन गया है की सीन सीगा तेरा? हाँ मुझे लेने आया था, मुझे वो इंडिया में मेरे साथ पढ़ता था क्लास वन टू में, तो वो मुझे लेने आया था। वैसे यहाँ पे मेरे गांव के भी है एक दो फैमिलीज हैं और वो बोल रहे थे हम लेने आ जाएंगे अगर वो नहीं आता तो मेरा भाई लेने आ गया था। तो इतना कोई चक्कर नहीं है, इधर लोग हेल्प कर देते हैं, कोई भी है मतलब बाहर नहीं सोना पड़ता किसी को भी रात में। फिर जॉब जूब का की सीन सीखा, यूनिवर्सिटी कितना की सीन, तेन पोर्ट मुकरी था कि नहीं दस्या है? पोर्ट मुकरी मैंने इंडिया तो ही उन्होंने एजेंट्स ने कहते उत्थे वहाँ पे सही है, तो वहाँ पे उन्होंने ऑफर लेटर मंगवाया और वहाँ से फाइल लगवा दी। ऑलराइट। तो मुझे पहले पता नहीं था बट बाद में पता लगा कि सिडनी से ज़्यादा दूर है, मुझे लगा था कि दो एक घंटे की ड्राइव होगी लेकिन साढ़े चार घंटे की, काफ़ी ज़्यादा थी तो मेरे को पता, जिस दिन पहले दिन मैं अपना बता दूँ, हम दोनों लोग ही थे यूनिवर्सिटी में, तो मैं ढूंढ रहा था किसी देसी को, यूनिवर्सिटी में कोई देसी नहीं था, भाई दिखा दूर से, मैं भाई कितना हेलो, मैं पंजाबी में बोला भाई से, तो दो ही लोग देसी थे, दोनों की सेम हेल्थ, तो दोनों फिर मिले जुले, फिर बस नंबर एक्सचेंज हुए। भाई तब सिडनी रह रहे थे, भाई के इधर कोई लिंक नहीं था तब, फिर तू मेरे नाल ही आके रहे ना स्टार्टिंग में, तो फिर हम दोनों लोग एक साथ में, जब ऑजी पॉजी रहता था वो सिंगल जो बंक बेड तेरे लिए लगाया है ना, तो ऊपर वाला, तो जब भाई आया था तो मैंने उनसे बात करी थी ऑजी पॉजी वालों से, क्योंकि वो अगर हम दोनों साथ में रहते तो हम लोग को सस्ता पड़ता और अगर हम लोग अलग अलग रहते तो हमें बहुत महंगा पड़ता, तो दोनों लोग साथ में रहते, फिर भाई ने मूव कर लिया था थोड़े दिन बाद, जब आकाश आया ना, हाँ वो आ गया थी, एक सब्सक्राइबर था अपना भाई आकाश, तो वो भाई आ गया था, फिर ये लोग मूव हो गए थे, क्योंकि वो रूम में बहुत छोटा सा था रूम मेरा, तो उसमें बनता नहीं था सिस्टम, तो खाना वगैरह का थोड़ा सीन मुश्किल, खाने का इशू था क्योंकि मैं रेस्टोरेंट में काम करता था, वहाँ से लेके आता था, तो साग बहुत खवाया ना दिन तो उस रेस्टोरेंट से ना पालक पनीर में बहुत लेके आता था, और इसके चक्कर में भाई के, क्योंकि वेज ही खानी पड़ती ना भाई, वेजिटेरियन पूरा, मतलब हकते भी हम लोग ग्रीन ग्रीन थे, ये सीन था। और फिर बताओ मतलब जॉब जूब का क्या सीन बना तुम्हारा? जॉब रिज्यूम में दिए बहुत जगहों पे और किसी से अभी तक कॉल तो नहीं आई बट ऐसे दो बार गए, तो उसके बाद रेफरेंस बन गए, हाँ तो उसके साथ थोड़ी बहुत जान पहचान बनी सभी के साथ। तो पहली जॉब कौन सी करी थी आपने भाई साहब? पहले मैंने वहाँ पे की थी फैक्ट्री में, सिडनी में की थी थोड़े के दिन, दस एक हाँ, दिन भाई पहले आ गया था, अराउंड दो महीने पहले आ गए ना, हाँ दो महीने, तो भाई क्लासेस स्टार्ट होने से पहले आ गया था, और इसलिए भाई को ना बहुत फायदे हुए थे। एक भाई को फायदा होता है हर बार, अभी यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी ऑफर ऑफर आता है, जैसे हमें बुक्स के पैसे नहीं मिलते हैं तेरे अकाउंट में ना, हर सेमेस्टर में भाई को $300 आते हैं, और भी काफ़ी बेनिफिट हैं, वो जिनके 2020 से नहीं 2018 में जिनके वीजे आए थे उनको फायदा मिल रहा था, हमारे 2019 में वीजे आए थे, तो भाई दो महीने पहले आ गया था, भाई ने सिडनी में काम किया था, तो मतलब इजीली मिल गई थी जॉब? हाँ वहाँ पे सही मिल गई थी, क्योंकि वहाँ पे सिडनी और मेलबर्न में रेफरेंस ही चाहिए तभी मिलती है, हाँ इजीली मिल जाती है, कोई जॉब करने चक्कर नहीं है। और इधर भी इतना कोई सीन नहीं है छोटे शहरों में, इधर ये है कि कंपटीशन कम है तो लोग आपकी जॉब लगवा देते हैं, इधर भी यही सीन सीखा? हाँ यहाँ पे ऐसे है कि अगर जॉब मिल जाए ना तो अच्छी अच्छी मिल जाती है जॉब, और थोड़ी वैल्यू भी अच्छी होती है यहाँ पे। इधर ये कि मतलब जो एक चीज़ मैं बता दूँ, जितना मतलब हसल बच्चों को सिडनी मेलबर्न में करनी पड़ती उतनी रीजनल में नहीं करनी पड़ती, इधर लोग थोड़े बहुत समझदार हैं, इतनी लेनी देनी नहीं करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि स्टूडेंट भी कम है काम करने वाले भी कम है, तो ये बंदों को हिसाब से
यूज करते हैं। सिडनी मेलबर्न में ऐसा है कि वो दो दो दिन काम करवा के फिर कहते हैं भाई तुम्हें बुलाएंगे, तो फिर वो बुलाते नहीं है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ, जीएससी ब्लॉक के साथ बहुत बार हुआ, एवं हुआ ना। थोड़ी इजी वाईफाई थे ना। हाँ, यहाँ पे मतलब आपके पैसे नहीं मरते हैं, सिडनी मेलबर्न में बहुत मरते हैं। एक सब कुछ आसपास है तो हाँ, 5 मिनट में पहुंच जाते हो। यूनिवर्सिटी हमारी 5 मिनट पे, कोल्स भी 5 नहीं है, वो तो 3 मिनट पे है। मैं वहाँ पे जॉब की तो वहाँ पे मुझे 35 मिनट लगते थे बस पे। हाँ। एक दो बार मैं स्टेशन गलत आगे चला गया था। ऐसा होता है जब आप नए नए आते हो तो नई चीजें पता होती हैं तो बंदा डरता रहता है। मतलब जब मैं पहली बार यूनिवर्सिटी गया था तो मेरे को यूनि वाले ही लेने आ गए थे। इधर एक चीज और है, रीजनल में यूनिवर्सिटी वाले आपको बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं आपकी किसी भी चीज के लिए। अगर आपको कहीं भी गेम्स हो रही है तो आपको लेके जाएंगे खेलने के लिए। याद है अपन उठे लेके आने ने, बॉलिंग क्लब भी लेके आने ने, सब कुछ हुआ था। और अगर कंपेयर करते अगर सिडनी मेलबर्न की बात, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स होते बहुत, तो वो इतने बच्चों को कैरी नहीं कर सकते हैं छोटी छोटी गाड़ियों में, तो फिर आपको खुद से अफोर्ड करनी पड़ती सब कुछ। इधर फायदे हैं रीजनल में ये भी, यहाँ पे तो एवरी मंथ कुछ ना कुछ कर ही लगते हैं। हाँ, और फ्री फूड भी हम लोग को बहुत खिलाया इन लोगों ने। लंच होता है ना वेंसडे ना, अभी एग्जाम में भी होता था, एग्जाम में भी टोस्टीज वगैरह लगाते थे बच्चों के लिए। चलो वो फीस में इंक्लूड होती चीज़ है, लेकिन फिर भी ये दे रहे हैं एटलीस्ट। बड़े शहरों में काफ़ी चीज़ें नहीं होती हैं, ये होता है। बहुत सही है, ईजी लाइफ है ना। हाँ, यहाँ पे भीड़ भड़का नहीं है, आपको ट्रैफिक नहीं झेलना पड़ता, मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर है छोटे शहरों में। और फिर पीआर तो एक मेन वो बेनिफिट है, जैसे इंडिया में किसी ने गाड़ी नहीं चलाई होती तो यहाँ पे बहुत इजी है। हाँ, मतलब अगर आप बड़े शहर में चलाने से थोड़ा बंदे को डर रहता है ना, भीड़ बहुत है, इधर भीड़ नहीं होती है तो ईजिली आपका काम चल जाता है। मेरे को पता है जब मैंने प्रदीप ने गाड़ी ली थी, तो प्रदीप की गाड़ी पर हम लोगों ने टेस्ट ड्राइव ली थी मैंने, तो सही चलाई थी। उसके बाद में भाई ने मेरे को एक को बोला, भाई जो लंबे वाले बन थे हमारे साथ में रहते थे पहले, भाई का गाना आना है चेक करना जल्दी आएगा। तो भाई ने मेरे को बोला, सुबह सुबह का टाइम था तो दूध खत्म हो गया, भाई बोले जा चला जा। मैं कहा भाई गाड़ी ठुक जाएगी, कह रहे कोई चक्कर नहीं, कह रहे कॉन्फिडेंस है तेरे पे, तो ट्रस्ट भी था भाई को अपन ले गए। तब से चला रहे, स्टार्ट हो गया, तो फिर से रेसे भी लगाई, चलाना भी बहुत है अभी तो सब कुछ है। अभी तो सब कुछ है। तो और क्यों था, और स्टडीज का क्या सीन है? स्टडी इंडिया से कंपेयर करें अगर, यहाँ पे इतना स्ट्रेस नहीं है स्टडी में ना, थोड़ा ऐसे आराम से हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे 27 आवर होते हैं शायद एक सेमेस्टर एक सब्जेक्ट के। हाँ। अबाउट 30 ऐसे ही होते हैं, इतना नहीं ज्यादा नहीं होते, ज्यादा नहीं है, मतलब इधर वो 9-10 वीक ही होते हैं और 3-3 घंटे स्टडी होती है एक वीक में एक सब्जेक्ट की। वो ईजी है इधर, मतलब सही है। स्लाइड होती है जैसे 50 मान के चलो, 50 कितनी होती है उसमें, एक में 5-6 लाइनें होती हैं क्लास में। वो भी ब्रेक भी मिलता है, ब्रेक नहीं ब्रेक मिलता है, सुसु करने आप जा सकते हो फोन आप 10-15 मिनट। और काफी लोग ये भी पूछते हैं ना कि आप फोन चला सकते हो क्लास में, कुछ भी कर, भाई जो मर्जी करो, कोऑर्डिनेटर को कुछ लेना देना नहीं, उसको पैसे मिल रहे हैं। आपको अगर सीखना है तो आप सीखोगे, आपके आपका नुकसान एग्जाम में दिख जाता है अगर आप किसी को डिस्टर्ब नहीं करना होता। अगर फोन चलाना है पीछे बैठ के साइड में चलाओ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जैसे मर्जी करते रहो, बस शोर नहीं मचाना है और प्यार से रहना। मेरे इंडिया वाला सीन नहीं चलता है, क्लास में बच्चों चल रही है वैसा नहीं होता है, प्यार से सब रहते हैं। बट यहाँ पे पढ़ने वाले ज्यादा होते हैं ना। हाँ। 80% सही होते हैं स्टूडेंट। हाँ, 20% होते हैं जैसे 20% होते हैं मेरे जैसे, स्टोरीज डालते हैं क्लास में जा जाके, बाकी सब पढ़ाई पे ध्यान देते हैं ना। बाकी सब ठीक है, बस ठीक है, बहुत है। तो भाई की जो इंस्टाग्राम और स्नैपचैट का ना, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, भाई को जाके फॉलो करें। लड़कियां खासकर डिमांड है, रिक्वेस्ट है लड़कियों से। चलो ठीक है जी, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें। ओके जी, बाय बाय, थैंक यू डॉक्टर, लव यू तेनू बहुत ज़्यादा।